लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में भी सामूहिक नमाज अदा करने का मामला सामने आ गया है। महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से उतारे गए नाबालिग बच्चों के साथ मौलाना ने जंक्शन के वेटिंग रूम में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ाई। सामूहिक नमाज का वीडियो सामने आने के बाद सार्वजनिक जगह पर नमाज का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बिहार से नई दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन में नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी के लिए ले जाने की सूचना मिली, जिसके बाद जीआरपी की टीम ने करीब 15 नाबालिग बच्चों और 6 अन्य को रेस्क्यू कर ट्रेन से उतार लिया। ट्रेन से उतारने के बाद सभी को वेटिंग रूम लाया गया, जहां बच्चों के साथ ही उनके साथ मौजूद गार्जियन के तौर पर मौलाना से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सभी ने बताया कि उन्हें फतेहपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ाई के सिलसिले में ले जाया जा रहा है। इस दौरान उन लोगों ने वहीं पब्लिक वेटिंग रूम में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हालांकि बाल कल्याण समिति के सदस्यों को इस बात की आशंका है कि बच्चों को बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन भेज दिया है। जो है क्या नाम है, सहरसा जिला है, वहाँ के 13 बच्चे हैं। ये जो हमारे साथ में आए हुए हैं वासिल भाई, इनके रिश्तेदार हैं सारे बच्चे करीब। हाँ जी, कहाँ ले जा रहे थे बच्चों को? हम इनको मदरसा जामिया दार अरकम, ये फतेहपुर जिला में एक गांव है मोहम्मदपुर गौती, वहाँ मदरसा है जामिया दार अरकम, वहाँ लेकर जा रहे हैं इनको। अब इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ सुबह से करीब करीब जो है ये जुल्म ढा रखा है। नमाज पढ़ रहे थे, अब इन्होंने हमको यहाँ पर बंद जो है बैठा लिया है, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। तो हमारे पास मजबूरी है, नमाज का टाइम हो गया, अब कहीं तो मुझे नमाज पढ़नी पड़नी है। अब इस जगह हमको बैठा ला गया है, अगर हमको छोड़ दिया जाए हम जाके अपने मदरसे में पढ़ेंगे नमाज, इसलिए हमने मजबूरी है हमारे पास, और टाइम हो गया, टाइम ख़त्म हो नमाज का और हम मौजूद हों ये तो मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी। अब ये सवाल ये तो ये कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक है यहाँ पर, आपको परमिशन किसने दी? आप ये बताइए, जब मुझे यहाँ पर बंद कर लिया गया है और बाहर जाने नहीं दिया रहा है, तो अब नमाज की इजाज़त लेने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा? ये बोल रहे हैं नमाज की इजाज़त किसने दी? तो सुबह से कितनी बार आपको यहाँ नमाज? हमने यहाँ जोहर की नमाज़ पढ़ी है, असर की पढ़ी है और अभी मगरिब की पढ़ी है नमाज। 3 बार नमाज पढ़ चुके हैं। टोका नहीं पहले? जी नहीं, पहले तो नहीं किसी ने टोका, अब की बार टोका, अब की बार इन्होंने आगे मना किया है। अच्छा। लेकिन बहरहाल अगर हमको यहाँ कैद करके रखा गया है तो जाहिर है इस इहाते के अंदर ही जब हैं तो नमाज का टाइम होने पर हम जाएंगे कहाँ? नमाज हमको यही पढ़नी है तो पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है। गौरतलब है कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी धार्मिक क्रिया करने पर पूरी तरह से पाबंदी है, बावजूद इसके प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम के अंदर बगैर किसी रोक टोक के बाकायदा 3 वक्त की नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई है। वहीं वेटिंग रूम में तैनात जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने भी सामूहिक रूप से सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।